हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हायर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डिस्कस करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, या टॉपिक है। इस पर आधारित एग्जाम में पक्का 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम पीछे जो इनिशियली जो बात डिस्कस कर चुके हैं उसको एक बार दोहरा लें कि dy अपॉन dx का तात्पर्य क्या है। उसको हम लैंग्वेज में यू बोल सकते हैं मैथमेटिकली कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्स। एक्स हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वाई को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी फर्स्ट ऑर्डर। यानी मैथमेटिक्स की जो भाषा है उसमें सीधा सा बोल लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई और एक्स का महत्व है। एक बात ये भी देखी थी कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 में डी एक्स अपॉन डी वाई। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े बना करके वाई में चेंज देख लो, या वाई के ऊपर चल करके एक्स में चेंज देख ली जाए, वो दोनों एक ही अलग अलग तो हैं, लेकिन इस तरह से चल करके रेट ऑफ चेंज हम डिस्कस कर सकते हैं। ये भी हम पीछे शुरुआत में जब डेरिवेटिव क्लास में हमने डिस्कस किया था तो हमने कर लिया। इनकी आर पार गुणा कर ले तो 1 के बराबर भी होता है। तो ये भी हमेशा सत्य है कि डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स हमेशा 1 के बराबर होता है। कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर लो, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिला, और यदि विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा हमेशा। यानी सिंपली हम लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है 1/dx/dy। ये क्यों दोहराया हमने, क्योंकि इसकी जब डबल डेरिवेटिव का एक फार्मूला डिस्कस करेंगे वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो एक मैथमेटिकली एक लिखा है हमने भाई कि डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, कोई क्रम लिखी है जैसे, इसका मतलब क्या है कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर की बात थी। या मैथमेटिकली सीधा हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, या हम इसको बोलते हैं डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, टू भी बोल लेते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। लेकिन इनमें ध्यान रहे ये बनावट है हमारी मैथ में, यहाँ 2 यहाँ है और यहाँ 2 इस एक्स के ऊपर पावर के रूप सी में दिखाई दे। ये एक नोटेशन है डबल डेरिवेटिव का लिखने का, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर मीन्स, ये हमने लैंग्वेज में बोल दिया। इसी का मतलब ये भी है डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी एक बार जब हमने डेरिवेटिव किसी एक्सप्रेशन की निकाली है उसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दें तो उसको उसका लिखने का जो ढंग है वो ये है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। यहाँ ये ध्यान रहे कि डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर वो बराबर नहीं है 1/ इसके रेशियो जैसे इसमें है, यानी कि डी एक्स डी जैसे मान लिया कोई यूँ लिख के दिखा दे कि भाई क्या ये ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हम इस बात को अभी अभी प्रूव करेंगे। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं या ऑटोमेटिकली सा ही प्रूव है ये तो, कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे इनिशियल टू पट लाइन है, वर्टिकल लाइन है, दोनों एक ओरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल लाइन है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स आपस में उल्टे हैं और आपस में कट के बराबर 1 है। लेकिन यहाँ ये सत्य नहीं है, हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में ये ट्रू भी हो जाए, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है कि डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर बराबर आ जाए 1/ उसके उल्टे की। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखें कि भी जैसे मान लिया वाई बराबर साइन एक्स दे दिया, तो कहा है कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, तो एक बार डेरिवेटिव जैसे ये भी मैथमेटिकली नोटेशन है वाई डैश, तो इसका डेरिवेटिव आया कोस एक्स। फिर बोलते भी एक बार फिर निकाल दो, या इसको हम ये सभी लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, या इसको हम लिख लें डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। एक बार फिर निकाल दें ट्रिपल डेरिवेटिव, जिसको हम डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिख बोलते हैं। थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव का नोटेशन है ये मैथमेटिकली,
तो यहां y ट्रिपल डैश और बराबर है इसका अगेन डेरिवेटिव यानी माइनस कोस एक्स। तो कितनी भी बार आगे बढ़ते चले जाएं y इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ थोड़ा सा एक सक्सेसिव मेथड भी हम डिस्कस कर सकते हैं, इसके ऊपर आएंगे अभी, ये एक एग्जाम्पल ले ही लिया है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, इम्पोर्टेंट भी है ये, हायर एग्जाम में किसी में पूछ लिया जाए। जैसे y बराबर साइन एक्स है, इसमें बोल दी कह दिया जाए कि भी 27 बार इसकी डेरिवेटिव निकाली है, 27वीं बार जब डेरिवेटिव निकलेगी तो अब इसका उत्तर क्या आएगा। जैसे यहाँ थर्ड डेरिवेटिव 30वीं बार डेरिवेटिव निकाली है तो ये आया 27, 20, 100, 120वीं डेरिवेटिव पूछ ले भाई साइन एक्स बताओ कितना आएगा। तो एक विशेष बात दिखाई दी इस एक्सप्रेशन में, y इज इक्वल टू जैसे साइन एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स, एक बार डेरिवेटिव निकाली, दूसरी बार डेरिवेटिव निकली तो माइनस आया माइनस साइन एक्स, चौथी बार जब डेरिवेटिव निकली तो ये दोबारा दोहराया गया, यानी फोर्थ डेरिवेटिव का नोटेशन है ये, तो दोहराया गया इसका मतलब, तो इसका डेरिवेटिव आगे फिर लिखा जो कि साइन एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से पांचवी डेरिवेटिव निकालोगे तो वही आ जाएगी, छठी निकालेंगे तो एक जनरल फार्मूले के रूप में हम ऐसा क्या लिख दें कि भी बार बार डेरिवेटिव ना निकाल करके सीधा उत्तर दे दें। तो यहाँ जो जनरलाइजेशन हमारा मेथड है वो हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं इसको कि भी जैसे डी डेरिवेटिव ऑफ अनथ डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक बार दो बार तीन बार चार बार, तो यहाँ हमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से, जैसे साइन एकदम कोस में बदल गया, एक बार डेरिवेटिव फिर कोस साइन में बदल गया, फिर साइन कोस में बदल गया, कोस साइन में बदल गया, तो इसका मतलब है कि साइन और कोस तो आपस में कंप्लीमेंट जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो हम जैसे इस साइन को कंप्लीमेंट में डाल दें, जैसे पाई बाई टू प्लस एक्स जैसे इस तरह से लिखना शुरू किया। यहाँ यदि मैंने एक, अब जैसे n बराबर एक डालूं मैं, n यहाँ मैंने डाला ही नहीं क्योंकि ये तो हमेशा ही cos x है हम जानते हैं, तो cos x तो ये तो आ तो गया, यदि मैं यहाँ अपना n डाल दूं यहाँ तो क्या ये जो चार बार मैंने डेरिवेटिव निकाली एक एक्सप्रेशन की तो क्या उस बात को ये फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ n बराबर एक डालने का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ n बराबर एक डाल दूं तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, तो साइन पाई साइन 90 प्लस एक्स तो कोस एक्स होता है, बिल्कुल आया ये। n बराबर यदि दो डाल दिया यानी डी स्केयर वाई डबल डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं, हमारा जो कोर्स है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है डबल डेरिवेटिव तक, तो आगे ट्रिपल फोर्थ थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है भाई, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव तो हमारे कोर्स तक है। तो n बराबर दो रख दिया तो दो रखने पर यहाँ देखिए 2π/2 कट लिया, पाई प्लस एक्स साइन के अंदर पाई प्लस एक्स यानी तीसरे की क्वाड्रेंट में गए, तो तीसरे में साइन चेंज नहीं होगा लेकिन तीसरे की क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ लिख दिया माइनस साइन एक्स, एन बराबर दो रख करके सिंप्लीफाई किया हमने तो बिल्कुल सही है, n बराबर दो रखने पर भी हमारा आंसर मैच हुआ। n बराबर तीन डाल दूं तो तीन के बाद फिर वो कंप्लीमेंट की फॉर्म आई, और 3π/2+x इसका मतलब चौथे की क्वाड्रेंट में गई, चौथे में नेगेटिव हो गए, साइन कोस में बदलेगा फिर भी सही है, यानी थर्ड डेरिवेटिव भी मैच हो गई यदि n बराबर तीन रख दिया जाए। चार रखने के बाद देखा साइन 2π+x यानी हम पहले की क्वाड्रेंट में आ गए, तो पहले में साइन 2π+ है यानी यही आया, तो ये याद भी कर लिया जाए कहीं जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है। एक बॉक्स सी में इसको लिखा कि भी अनथ डेरिवेटिव ऑफ द साइन, जैसे मान लिया 15वीं बार डेरिवेटिव निकाली जाए तो 15 बार डेरिवेटिव निकालोगे और फिर वो नहीं पता लगेगा भी साइन आएगा कोस आएगा, तो इसमें एन बराबर 15 रख के और सीधा सिंप्लीफाई कर दो 15π/2 या 16 जो भी, तो 15π/2 का मतलब कितना हुआ कि इस एंगल को ब्रेक कर लो 15π/2, तो उसको फिर सिंप्लीफाई कर ले उसका वो डेरिवेटिव आ जाएगा, या 16 या 17 जो भी पूछे
एन बराबर रखने के बाद हम सोल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से लगे हाथ कोस का भी बिल्कुल यही फार्मूला है, वाई इज इक्वल टू जैसे कोस एक्स, उसे ये सक्सेसिव डेरिवेटिव है, याद कर ले अच्छी बात है। तो यहाँ भी डेरिवेटिव जैसे फर्स्ट बार एक ये भी नोटेशन है वाई वन, ये डेरिवेटिव के संकेत से है कुछ नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ वाई वन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, वाई टू का मतलब डबल डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स, यानी एक बार फिर डिफ्रेंशिएट किया। y3 इज इक्वल टू साइन एक्स और y4 इज इक्वल टू कोस एक्स, यानी कि फिर रिपीट हुआ, यानी चौथी डेरिवेटिव आई तो एक्सप्रेशन जो इटसेल्फ था वो ये का ही आ गया। तो क्या हम जनरलाइज करके कोई फार्मूला ऐसा डिस्कस कर सकते हैं जिसमें अनथ डेरिवेटिव, अनथ का मतलब कोई बीसवीं डेरिवेटिव सौवीं डेरिवेटिव मांग लें? तो यहाँ देखते हैं जो इसका व्यवहार है चलने का, तो डेरिवेटिव ऑफ यानी अनथ डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न। तो देखो किस प्रकार का पैटर्न सा हमें दिखाई दिया, तो कोसाइन कोसाइन, एक तो सीधी सी बात है भी कंप्लीमेंट का व्यवहार तो है ही, तो कोस दिया है तो कोस ही दिया, और यहाँ पाई बाई टू प्लस एक्स। तो यहाँ एक बार यदि मैं एन यहाँ डाल लूँ और फिर मैं मेरा जो पैटर्न है उससे मैच करवाऊँ तो क्या सही है? तो जैसे एन बराबर एक डाला, एक का मतलब वाई वन या डी वाई अपॉन डी एक्स बोल दें, तो एन बराबर एक डालने पर हमें मिला कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, तो कोस नाइन्टी प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा या माइनस साइन एक्स, हाँ सही है भाई। वाई बराबर दो रख दें तो दो से ये तो दो कैंसिल हो लिया, और पाई प्लस एक्स, तो कोस पाई प्लस एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में कोस का कोस ही रहेगा लेकिन नेगेटिव साइन तो आ गया। थर्ड डेरिवेटिव देखा, थर्ड डेरिवेटिव है ना तीन रख दिया एन की जगह, तो तीन पाई बटे दो प्लस एक्स, इसका मतलब चौथे क्वाड्रेंट में और कंप्लीमेंट की वजह से कोस चेंज भी हो जाएगा, तो ऑन साइन एक्स। फिर आगे फोर्थ डेरिवेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल चला गया तो ये हम कोस एक्स बोल देंगे। तो बिल्कुल जो हमने ट्राई करी थी चार बार डेरिवेटिव निकाल के, उसकी अनर डेरिवेटिव में एन बराबर चाहे पंद्रह रख दो, पंद्रह सोलह सत्रह अठारह कुछ भी रख दें तो हमारी डेरिवेटिव आ जाएगी। तो दोनों में सेम ही यही फार्मूला है। एक बार एक एग्जाम में आया हुआ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख दिया और कह दिया कि भाई इसकी सत्रहवीं डेरिवेटिव निकालो, तो साइन और कोस में सत्रहवीं का मतलब है एक और कॉन्सेप्ट सा दिखाई दे रहा है जो पीरियडिसिटी है इसकी जो डेरिवेटिव की, वो क्या बोलती है कि भाई चार चौथी डेरिवेटिव खुद एक्सप्रेशन आ जाता है और इसमें भी चौथी डेरिवेटिव खुद कोस एक्स आ जाता है, तो सोलहवीं डेरिवेटिव निकलेगी तो साइन और कोस जैसे मान लिया जोड़ दिए या घटा दिए तो सोलहवीं डेरिवेटिव में भी वही एक्सप्रेशन आ जाएंगे, साइन और कोस का जोड़ जो है वो सोलहवीं डेरिवेटिव में भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स ही आ जाएगा। तो सत्रहवीं डेरिवेटिव क्या आ जाएगी? तो सत्रहवीं डेरिवेटिव में दोनों का एक पहला डेरिवेटिव जो आता है वही तो आया, मतलब पीरियोडिसिटी आती है इसमें साइन और कोस के जोड़ में या घटा में ले लें। गुणा में दूसरा रूल आएगा, गुणा में भी एक जनरलाइज मेथड है अपने पास, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो काम की विशेष बात विशेष जो हमारा सिलेबस से जुड़ी हुई जो बात है वो ये है हायर डेरिवेटिव, हमने फिर रिपीट कर लेते हैं डीवाई अपॉन डी एक्स, ये पहले सीख चुके हैं। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि भी एक जो दिया हुआ फंक्शन है उसका दो बार डिफरेंशिएशन निकाल दें, उसका मतलब ये भी है कि भी एक बार निकाला और एक बार निकाले हुए का फिर डेरिवेटिव निकाल दें, ये ध्यान रहे कि भी ये इसके बराबर हमेशा सत्य नहीं है। एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं, जैसे मैं लैंग्वेज में उसको लिख लूँ कि भी एक्सप्रेस डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है ना भाई, इसका मतलब क्या है कहने का कि भाई जैसे ये जो दोनों तरफ बातें लिखी हैं कि भाई डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर और यहाँ लिख दिया वाई बटे में ले गया मैं, तो इसका मतलब यही है
विद रेस्पेक्ट टू वाई के टर्म में इसको बदल के दिखाओ क्या किस प्रकार का ये किस बराबर आएगा। जैसे यहाँ था ना dy अपॉन dx बराबर दिस, तो ये इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो इसी प्रकार से यहाँ दो दो यानी सेकंड डेरिवेटिव, यदि y हमारा डिफरेंशियल कोफिशियंट है और यहाँ x हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है या एलिमेंट भी बोल सकते हैं, वो इसके बराबर तो नहीं है, तो फिर किसके बराबर आया? तो वो एक फार्मूला बन के आता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर हम इनिशियली जाते हैं कि सिंस वी नो दैट, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव जो इसका है वो नोटेशन समझाया है, तो इसका ये बिल्कुल सही तात्पर्य ये तो है डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे ऊपर भी लिखा है भाई कि डबल डेरिवेटिव का तात्पर्य ये है। अब हमारा काम ये है कि यहाँ जो अपॉन में जो एक्स एक्स है यहाँ वाई वाई पैदा करना है हमने, तो क्या करें, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है इसको तो हम रेसिप्रोकल के रूप में लिख दें, तो दिस कैन बी रिटन डी ऑफ डी एक्स, यहां लिख दिया वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, आपस में रेसिप्रोकल है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जैसे ऊपर भी बोला है, या फिर दिस कैन दिस इज इक्वल टू या दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई raised to power minus one। एक चैन रूल जो हमने डिस्कस कर लिया है उसको अप्लाई करके या उसका प्रयोग करके, क्योंकि यहां में एक्स नहीं चाहिए, पर्सन में क्या बोला है कि भी विद रेस्पेक्ट टू वाई चलने दो, तो विद रेस्पेक्ट टू वाई का मतलब है डी ऑफ डी वाई चाहिए, तो यहां यदि मैं वाई पैदा करूं तो डिफ्रेंशिएशन में जो रूल है हमारे वो चैन रूल वो क्या होता है, यहां थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ध्यान दो, जैसे मान लिया डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन कोई अनदर वेरिएबल पैदा कर लिया और यहाँ डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स लिख दिया, और भी जरूरत पड़े तो डी टी लिख लिया, यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स, तो मान लिया मैंने ये देखो डी वाई अपॉन डी एक्स यदि हमने हटाना है तो वहाँ अनदर वेरिएबल जो नया वेरिएबल बोल सकते हैं उसको पैदा कर लो, पुराने वाला सबसे लास्ट में अपॉन में लिख दिया जाए, तो वही बात यहाँ लिखते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ यानी डी ऑफ डी वाई पैदा कर लिया और ये डी एक्स अपॉन डी वाई होल पावर माइनस वन दिया एक्सप्रेशन, और फिर यहाँ लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स ताकि डी वाई से डी वाई कट जाए। अब हम कामयाब हो गए हैं, हर जगह dy हमने पैदा कर ली है, यहाँ तो यहाँ भी डिस्क कर लेंगे, इसकी आगे जरूरत पड़नी तो नहीं है, यानी इसको लिख दिया dx अपॉन dy जो मल्टीप्लाई में हमें लिखा था, चलो नए स्टेप में लिखते हैं, यहाँ ये लिखा dy अपॉन dx, तो दिस कैन बी रिटन या दिस इंप्लाइज d अपॉन dy इंटू dx अपॉन dy होल पावर माइनस वन इंटू वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि ये तो एक एक्सप्रेशन ही है फाइनली, हमने तो अब इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू वाई, और ये लास्ट में जो हम डिस्कस कर लेंगे वो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि हमेशा याद भी रखना है, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो पावर रूल के द्वारा क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस मल्टीप्लाई में आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई पावर एक कम होते हुए माइनस दो, और फिर इसका अगेन डेरिवेटिव किसके विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो बार बार हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब तो यही तो है, यहाँ भी वही है डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा गया विद रेस्पेक्ट टू वाई, इसका आगे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये तो सीधा ही डबल डेरिवेटिव हो गया विद रेस्पेक्ट टू वाई के लिए, हमने इसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन निकाल दिया या डेरिवेटिव निकाल दी है, और इनटू में जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में है आगे वो एज इट इज, तो ये हमारा किसके बराबर चल रहा है शुरुआत में भी डबल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फर्दर वी सिंप्लीफाई दिस,
विद नेगेटिव साइन, इस पावर को हम पॉजिटिव बना लें, यहाँ ये डबल डेरिवेटिव को ऊपर लिखते हुए डी स्केयर एक्स अपॉन डी स्केयर वाई अपॉन, यहाँ देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई बटे में गया, पॉजिटिव पावर बनाई जब, और ये डी एक्स अपॉन डी वाई और भी है तो नीचे हमने लिख दिया डी एक्स अपॉन डी वाई होल पावर एच क्यू। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये दो तीन बार देखा गया है, एनडीए जो हम एग्जाम देते हैं उसमें तो काफ़ी बार ये पेपर में आया हुआ है। सीधा ही पूछते हैं कि भी डबल डेरिवेटिव कैन बी नीचे तीन चार विकल्प दे दे तो उनमें से ये विकल्प हमें मिलेगा। तो एक बार मैं ठीक से इसको लिखता हूँ, डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस डी स्केयर एक्स अपॉन डी वाई स्केयर होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी वाई होल पावर क्यू, मस्ट बी मेमोराइज्ड। एक इसी पर आधारित एक और एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, जैसे लैंग्वेज में इसी को बोल दे कि भी डबल डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई विद रेस्पेक्ट टू टी। तो एक बार मैं फिर इस फार्मूले को दोहरा लूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये डिस्कस करना आना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव को हमने लिखा डेरिवेटिव ऑफ दिस, इनिशियली हम जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख दिया रेसिप्रोकल करके, फिर हमारे पास समस्या आई कि भाई हमने तो वाई बटे में लानी है, वाई पैदा करनी है, तो वाई पैदा करने के लिए हमें जो चैन रूल है वो याद आया, एक बार इसको रेसिप्रोकल यानी पावर माइनस वन के रूप में लिख लिया। तो चैन रूल क्या बोलता है कि यहाँ डी एक्स को हटा करके डी वाई पैदा किया, यहाँ डी वाई हम ऊपर ले गए और बटे में डी एक्स, ये एक्सप्रेशन बना। अब यहाँ विद रेस्पेक्ट टू वाई इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो विद रेस्पेक्ट टू वाई जैसे ऊपर देखें विद रेस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ भी एक्स है तो ये तो डबल डेरिवेटिव ही तो है। तो एक बार इसको हमने थोड़ा सा ठीक फॉर्म में यहाँ लिखा, अब डेरिवेटिव यहाँ निकाली गई है, यहाँ का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएशन का मतलब है पावर मल्टीप्लाई में ले आए, एक घटाया डी एक्स अपॉन डी वाई, फिर इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव बना, इनटू में एक पार्ट और है मल्टीप्लाई में वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई एज इट इज, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी हैव दिस। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सेम एज दिस, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के भी हम इस बात को पूरा कर सकते हैं, जैसे वही एग्जाम्पल लिया हमने y इज इक्वल टू, छोटा सा एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन x, कहा है कि भी इसका डबल डेरिवेटिव निकाल, जैसे यही, तो इसने क्या कह दिया है जैसे इसके अनुसार यदि हम फॉलो करें, एक तो सिंपली जो हमारा रूल है उसके द्वारा देखते हैं, यानी वाई वन तो आया हमारा कोस एक्स और वाई टू आ रहा है हमारा माइनस साइन एक्स, ये y2 का मतलब यही है डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो यहाँ क्या क्या हुआ कि विद रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करो तो विद रेस्पेक्ट टू y दो बार डेरिवेटिव निकले, एक बार डेरिवेटिव फिर दूसरी बार डेरिवेटिव, वो इसको काट देगा, यहाँ तो चलो ऐसा मैच नहीं हो रहा, मतलब आगे कुछ क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे तो काफ़ी यूजफुल फार्मूला है। एक जो पीछे हमने चैन रूल जो डिस्कस किया है उसी को फॉलो करते हुए बिल्कुल इसी प्रकार का एक फार्मूला और डिस्कस करते हैं हम, और उसमें इस प्रकार से लैंग्वेज बनती है, जैसे ये बिल्कुल यही कि भी डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर को एक्सप्रेस करके दिखाओ, एक्सप्रेस दिस इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, मान लिया टी ले लिया, जैसे पैरामेट्रिक वाले हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में इस प्रकार का रूप लगता है, ये भी कई बार एक दो बार एनडीए भी पूछ लिया, ये भी एक बार तो सीधा ही
मतलब वाई बटे में लाने के बाद इसमें जो कंपेरिजन है वो डिस्कस करो, एक अनदर जो वेरिएबल ले लिया जाए उसमें इसका कैसा फार्मूला बनेगा। तो फिर वही के वी सिंस वी नो दैट डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कैन बी रिटर्न डी ऑफ डी एक्स इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब हम आज ही ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ऊपर जो डी वाई है वहां बटे में ये लिख सकते हैं हम डी एक्स अपॉन डी टी, सारे कोई एक्सप्रेशन तो होगा ये टी वेरिएबल में, यहाँ टी टी कुछ जो भी है डी वाई अपॉन डी एक्स पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे टी में भी तो आंसर आ सकता है। तो डी वाई अपॉन डी टी निकाली थी जैसे वाई वाले में, एक्स वाले में एक्स के बराबर दिया था उसको डी एक्स अपॉन डी टी निकाला था, ये सारा एक्सप्रेशन कोई टी वगैरह में आया होगा क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टी ही हमारा काम। अब हमारा मतलब यहाँ ये है कि भी इसको भी टी में कन्वर्ट करें, ये भी टी पैदा करो यहाँ। तो इसके लिए बड़ा आसान है, चैन रूल हमें बताता है ये बात कि डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू टी यहाँ हो गया, और सारे को जैसे मैं 1 मिनट के लिए कोई भी मान लूँ और इन टू में यहाँ लिख दिया डी टी अपॉन डी एक्स यानी पुराने वाला वेरिएबल। अब यहाँ हमारा मुख्य मेन जो एम है वो क्या है कि भी विद रेस्पेक्ट टू इसको डिफ्रेंशिएशन किया जाए, और ये एक्सप्रेशन हमारा के किस में है टी में ही है। तो जो डिवीजन रूल है उसके द्वारा हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो बटे में है यानी डी एक्स अपॉन डी टी उसका तो होल स्केयर हो गया, और डी एक्स अपॉन डी टी एच डी छूटेगी, और ऊपर जो है उसका डेरिवेटिव कौन है ऊपर डी वाई अपॉन डी टी, और विद रेस्पेक्ट टू टी ही हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये तो डबल डेरिवेटिव हुआ डी स्केयर वाई अपॉन डी टी स्केयर, फिर माइनस जो न्यूमरेटर में है वो एच टी छोड़ते हैं हम डिवीजन रूल द्वारा यानी डी वाई अपॉन डी टी एच टी, और इन टू में जो हमारा डेनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव तो डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर, और इन टू में यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये भी एक्सप्रेस हुआ हमारा डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, इसको हम रेसिप्रोकल करके अपॉन में ले आए तो एक स्टेप और दिस विल बी डबल डेरिवेटिव कैन बी एक्सप्रेस्ड। छोटा सा इसको छोटे से फॉर्म में भी लिख लिया जाए, जैसे यहाँ डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी लिख लिया हमने वाई टू, इसको लिख लिया हमने एक्स वन यानी विद रेस्पेक्ट टू टी मतलब डी एक्स अपॉन डी टी याद करना पड़ेगा भैया, और माइनस में यहाँ एक्स टू और ये लिख दिया हमने वाई वन अपॉन यहाँ जो डी एक्स अपॉन डी टी है, और यहाँ भी इसका रेसिप्रोकल के करके लिख लिया जाए तो ये भी डी एक्स अपॉन डी टी है, तो इसको हम लिख देंगे एक्स वन का स्केयर, एक्स वन की स्केयर तो पहले था और एक और मल्टीप्लाई में आया, तो ये भी इसका रिजल्ट है याद करने का। या फिर ये याद हो जाए जैसे मैं इसको इसी फॉर्म में लिखता हूँ एक बार कि डी स्केयर वाई अपॉन डी टी स्केयर इन टू में डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वाइस वर्षा का उसका डेरिवेटिव एच डी छोड़ दें, तो इसका मतलब ये डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर और इन टू डी वाई अपॉन डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी होल क्यू, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों प्रकार की जो टाइप हैं वो पक्का याद हो, कहीं ना कहीं काम आती हैं। ये डबल डेरिवेटिव कैन बी एक्सप्रेस्ड, अभी अभी हमने जो वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई के लिए फार्मूला था और ये विद रेस्पेक्ट टू टी के लिए है, मतलब इसमें जो हमने लैंग्वेज में लिखा है कि डिफरेंशियल कोफिशियंट का मतलब क्या होता है कि भाई एक्स और वाई तो ऊपर दिखाई दें, देखो हर जगह एक्स वाई हमें ऊपर दिख रहे हैं, और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है यानी जो जिसको हम विद रेस्पेक्ट टू टी बोलते हैं वो हर जगह डी टी टी डी टी डी टी डी टी हर जगह अपॉन में दिखाई दे, तो इस एक्सप्रेशन को हमने इसमें कन्वर्ट करके लिख लिया। क्वेश्चन ले लेते हैं तो आइए डेरिवेटिव से संबंधित है, जैसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स मान लिया ये वाई के बराबर कह दिया, और फिर इसी में पूछ ले कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव
और जो डबल डेरिवेटिव है, नहीं डबल डेरिवेटिव जैसे ऐसे आ जाएगा भाई प्रो दैट डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो क्लियर है, साफ भी दिख रहा है कि भाई डीवाई अपॉन डी एक्स जैसे हमने निकाली पहले, तो वाई आ कोस एक्स माइनस साइन एक्स और फिर डबल डेरिवेटिव, तो वो गया हमारा माइनस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स। तो प्रश्न में पूछा है कि भाई डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव जो हमने निकाला इस एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन निकाल के देखें तो दोबारा ये तो वाई तो आ गया है, ये तो इसका मतलब यही सीधी हो गया, ये तो कि भाई डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इस पर आधारित हमारे जो क्वेश्चन की जो बनावट दे रखी है काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लगभग हमारे एग्जाम में सीबीएसई हो हरियाणा बोर्ड हो उसमें पूछा जाता है, ये कोई भी बनावट इस प्रकार की दे दी जाए, जैसे हम प्लस वन में एक बात सीख चुके हैं, जैसे मान लिया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई और इज इक्वल टू जीरो, मान लिया मैंने ये एक एक्सप्रेशन ले लिया, एक इक्वेशन लिख लिया अभी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई और कह दिया जाए कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, या कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देने की बात है, जैसे प्लस वन में हमने जो स्ट्रेट लाइन के बाद ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया था, मतलब इस प्रकार की जो बनावट है ना क्वेश्चन की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है ये। अब कोई कहे कि भी ये है क्या, ये मतलब ये जो बनावट बनाई है इसको हम बोलते हैं भी होमोजीनियस है, ये टू डिग्री की है। होमोजीनियस का मतलब है जो वेरिएबल होते हैं उनमें जो पावर होती है उनका जोड़ बराबर है क्या हर टर्म में, इसमें भी दो है इसमें भी दो है इसमें भी दो भी दो है, हाँ इसको हम कहेंगे भी होमोजीनियस है। कितने डिग्री की है, दो डिग्री की है, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन। ये बात हमने प्लस वन में डिस्कस कर ली है कि होमोजीनियस टू डिग्री का मतलब क्या होता है, ये होमोजीनियस टू डिग्री का मतलब है कि भी हमेशा ऐसी लाइन जो है वो ओरिजिन से गुजरेंगी और स्ट्रेट लाइन होगी, यानी इसका मतलब ये है कि भी ये दो लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन है और कोई कर्व नहीं है। जैसे टू डिग्री में हमने प्लस वन में ये डिस्कस किया था कि कॉनिक सेक्शन के जो भी हमारे जो सेक्शन आ रहे हैं, जैसे सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, वो भी टू डिग्री से जनरेट होते हैं, एक टू स्ट्रेट लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन भी बनती है। तो होमोजीनियस हो और टू डिग्री की यदि है तो ये टू स्ट्रेट लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से गुजरेगी। थोड़ा सा और डिस्कस ही कर लें, जैसे ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन मान लिया ये है, एक जैसे मान लिया दूसरी ले ली एक्स प्लस वाई, ठीक है भाई, और ये कह दिया कि बराबर जीरो, तो हम कहेंगे भी आइदर दिस जीरो यानी वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स, इसको कह दिया कि वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो देखो ये दोनों लाइन जैसे वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स ये स्ट्रेट लाइन है, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स की ये लाइन, देखिए ठीक है, इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन हमारी ये बन जाती है, बस अत्य ध्यान रहे कि इनमें राइट हैंड साइड हमने जीरो बनानी जरूरी है, सीधी गुणा नहीं कर लेनी नहीं तो गलत हो जाएगा। तो y माइनस थ्री एक्स बराबर जीरो और एक y प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, अब दोनों को मल्टीपल फॉर्म में लिख लिया और फिर इसकी गुणा कर लें, तो थोड़ा समझाया था भाई तो इसकी गुणा कर ली जाए तो जैसे एक्स वाई एक्स एक्स एक यहाँ से ये भी एक्स वाई यानी कि माइनस थ्री एक्स वाई, इन दोनों की नहीं इस वाई की और एक्स की गुणा कर ली और इसकी इसके साथ कर ली, अब बाकी माइनस थ्री एक्स स्क्र और एक प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाइड कर ले आगे चलते हुए, तो माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी हम सेम ऊपर जो लिखी थी वही है।
तो हम इसको यूं बोलते हैं कि भाई ये 2 डिग्री होमोजीनियस यदि कोई इक्वेशन है उससे बनने वाली दो स्ट्रेट लाइन रियल या इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कोई कहे कि भी ये भी 2 डिग्री की होमोजीनियस तो है, लेकिन यहाँ जो दोनों लाइन आएंगी वो इमेजिनरी होंगी क्योंकि यहाँ x बराबर 0 और y बराबर 0 ही तो इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो उससे तो हमें कोई लेना देना भी नहीं, हम तो सीधा ही एक कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं हम कि भाई 2 डिग्री की होमोजीनियस है तो हम उसको कहेंगे भी वो दो स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगी, या तो वो स्ट्रेट लाइन रियल आएंगी या वो इमेजिनरी आएंगी, यानी बनती ना हो, जैसे इसमें स्ट्रेट लाइन बन नहीं रही। 3 डिग्री की यदि होमोजीनियस है, जैसे मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू में एक लिख दिया एक्स प्लस वाई और कह दिया भी बराबर 0, मान लिया मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे होमोजीनियस दिखाई देगी 3 घात में, जैसे एक्स की 3 दिखाई देगा, वाई की 3 देखेगा, एक्स वाई जहाँ भी वेरिएबल आएंगे उनकी पावर 3 आएगी। तो यहाँ भी कहेंगे कि भाई 3 स्ट्रेट लाइन हैं, लेकिन यहाँ 3 स्ट्रेट लाइन नहीं बढ़ने वाली हैं क्योंकि ये इमेजिनरी हैं। इनको मैं सीधा यूँ बोल दूंगा कि भाई 2 स्ट्रेट लाइन इमेजिनरी हैं और ये एक रियल स्ट्रेट लाइन बनी है। तो एक सीधा सा सूत्र ही मैं फाइनली हम ये लिख लेते हैं कि भाई होमोजीनियस कोई भी हो, 3 डिग्री की हो, 4 डिग्री की हो, या 5 डिग्री की हो, या अनंत पावर की हो, होमोजीनियस होनी चाहिए। तो हम कहेंगे भी n स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, वो रियल हो या इमेजिनरी हो वो अलग बात है। मतलब एक कंक्लूजन के रूप में हमने सबको ये बता दिया कि एक सूत्र निकाल दिया कि भाई ऐसा हो सकता है। तो ये प्लस वन में हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है, क्योंकि CBSE में इस कॉन्सेप्ट पर आधारित काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इसका ये है कि कोई भी मान लिया, जैसे ये हमने 2 स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से गुजरती हैं, उनकी मल्टीप्लाई करके ये जैसे एक फॉर्म लिखी, होमोजीनियस है, 2 डिग्री है। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, इसका मतलब क्या है एक बार थोड़ा मतलब समझें। मान लिया यहाँ कोई बिंदु है, जैसे ये मान लिया इससे ये दोनों लाइन हैं, यदि मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया और कह दिया कि ये बिंदु इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो इस प्रकार की जितनी भी एक्सप्रेशन है उनका डेरिवेटिव, जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके एक बार डीवाई अपॉन डीएक्स निकालता हूँ मुझे क्या मिला, जैसे 2y इंटू डीवाई अपॉन डीएक्स माइनस 6x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू डीवाई अपॉन डीएक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और बराबर 0। तो dy अपॉन dx की टर्म इकट्ठी करते हैं, पहले तो 2 से भाग ही दे दिए कंप्लीटली, 2 से भाग देते हुए तो नाउ वी कलेक्ट द टर्म विच आर कंटेनिंग ठीक है भाई, जो dy अपॉन dx हमारे पास रख रही है उनको देखे dy अपॉन dx विल बी y, यहां से dy अपॉन dx यानी माइनस एक्स, बिना dy अपॉन dx की टर्म है उनको राइट हैंड साइड में हम ले जाते हैं, तो जैसे माइनस वाई और एक ये माइनस, ठीक है भाई। एक बार ऊपर थोड़ा सिंपलीफाई फिर कर ले, गलती तो नहीं होगी, जैसे x और y की गुणा एक्स वाई होगी, y और y y स्क्वायर, फिर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3x वाई, ठीक है भाई। तो फिर इसको ठीक फॉर्म में लिखते हुए वाई स्केयर माइनस 3x स्केयर और माइनस 2x वाई और बराबर 0। तो नाउ वी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये चलो 2 काटा था, 2y इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस 6x, फिर माइनस 2 को हमने बाहर लिया, x एज इट इज y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इंटू y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है भाई। 2 से हमने भाग दे दिया था, ठीक है, 2 से भाग दे दिया था और ये भी यहाँ कैंसिल, ठीक है भाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारी जो टर्म थी उनको कनेक्ट किया एक जगह, यानी वाई माइनस एक्स, और जो रिमेनिंग है वो राइट हैंड साइड में ले जाते हुए वाई प्लस 3 एक्स
अपॉन वाई माइनस एक्स और होल डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको एक बार नोट किए, हम इसका डबल डेरिवेटिव और निकालते हैं, तो डबल डेरिवेटिव यदि हमने निकाला तो वो हमारा पक्का जीरो आएगा। यही है एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसमें। कई बार आ लिया इस तरह का क्वेश्चन कि भी होमोजेनियस, यहाँ अपने आप डिस्कस कर सकते हैं या करेंगे अभी भाई। ये जो होमोजेनियस हमने जो टू डिग्री की जो एक्सप्रेशन लिखा है उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव तुम्हारे लिए है ये, और पक्का इसका डबल डेरिवेटिव जीरो आएगा। और कितनी भी जैसे सीबीएसई में जो कुछ क्वेश्चन पूछा था वो इस टाइप से ही का था, एक्स प्लस जैसे इसके ऊपर पी प्लस क्यू का जोड़ दे दिया और यहाँ एक्स के ऊपर पी पावर और क्यू वाई पर पावर भी क्यू डाल दिया। अब जैसे ये एक्सप्रेशन है इसमें कह दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स दिखाओ फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, तो क्योंकि यहाँ यदि मैं एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर पी प्लस क्यू को बाइनोमियल के द्वारा यदि खोले तो एक्स के ऊपर पावर आएगी ये, वाई पर भी पावर आएगी सारे की सारी, फिर बीच में जो भी, या इसी को भी मैं पर्टिकुलर केस के लिए इस क्वेश्चन को बना लूँ कि भी एक्स प्लस वाई होल पावर मान लिया 10 दे दिया और बराबर एक्स के ऊपर 7 और वाई के ऊपर पावर 3 दे दी। अब इसको यदि मैं खोलूँ तो 11 टर्म हमारी हो गई और हर टर्म जो है वो 10 पावर लेगी, जैसे एक्स के ऊपर पावर 10 आएगी फिर अगली टर्म यानी 10c1 और 10 के एक्स के ऊपर पावर 9 और वाई आनी शुरू हो गई, यानी हर टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में जो 11 टर्म है यानी हर टर्म पावर 10 रखेगी और राइट हैंड साइड में भी पावर 10 है। तो इसका मतलब क्या है कि भी होमोजीनियस एक एक्सप्रेशन है ये, कितने डिग्री में 10 डिग्री में, तो इसकी डबल डेरिवेटिव पक्का जीरो आएगी। क्यों आई है ये डबल डेरिवेटिव जीरो? जैसे हम इस तरह का जो एक्सप्रेशन है उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालते हैं वो एक, जैसे मान लिया स्ट्रेट लाइन आई, जैसे इस प्रकार की जो इक्वेशन है जैसे y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू 5x है, इनके डेरिवेटिव हमारे कॉन्स्टेंट आएंगे और डबल डेरिवेटिव जीरो आएगी, क्योंकि हम ये आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या आगे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसमें डिस्कस करेंगे कि भी डबल डेरिवेटिव का तात्पर्य क्या है ग्राफिकली। तो जो भी ग्राफ हमारे स्ट्रेट चलते हैं, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डबल डेरिवेटिव, फिर से सुनिए भाई, डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि भाई कनकेविटी बताता है ग्राफ, ग्राफ के बारे में मोड़ बताता है, जैसे यूं कनकेव अप हो जाए या कनकेव डाउन हो जाए, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें कनकेविटी नहीं बनती है, ठीक है ना, तभी तो उसका डबल डेरिवेटिव जीरो आता है। तो इसीलिए या जो भी इक्वेशन हमारी स्ट्रेट लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन यू एक्सप्रेशन के रूप में बनता हुआ दिखाई दिया उसका डबल डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता है, क्योंकि सारा ही के सारा उस स्ट्रेट लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन से बना है। अब यहाँ भी ये है, हम यहाँ कहेंगे कि भी सारी की सारी लाइन जो है वो 10 लाइन है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है वो लाइन रियली हैं या नहीं है, हम यहाँ यूँ कहेंगे भी 10 लाइन है और 10ों की 10ों ओरिजिन से गुजरती हैं, उनका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? तो डबल डेरिवेटिव पक्का इसका जीरो आएगा। सोल्व करके देख लें इस क्वेश्चन को, तो चलो डिस्कस करते हैं। जैसे इसका डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड या लॉग के द्वारा डिस्कस कर लो, जैसे लॉग, क्योंकि बताया भी पावर में जटिलता सा कुछ कंप्लिसिटी दिखाई दे तो लॉग की मदद ले लो, या फिर सीधा भी कर ले लें तो सीधा 10 गुणा में एक्स प्लस वाई होल पावर 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स का डेरिवेटिव वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं एक्स रेज टू पावर 7 एच डी 3y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एच डी इंटू 7 इंटू एक्स पावर 6। यहाँ थोड़ा सा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 7 एच डी छोड़ी 3y स्क्वायर, वाई का अगेन डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई क्यूब एच डी इंटू 7 टाइम्स ऑफ एक्स पावर 6। नाउ वी कलेक्ट द टर्म्स व्हिच आर कंटेनिंग डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हमने ढूंढी 10 इंटू एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 9 इंटू, एक तो है ये डी वाई अपॉन डी एक्स, एक डी वाई अपॉन डी एक्स इधर से मिला माइनस एक्स रेज टू पावर 3 वाई स्क्वायर
बिना जो dy अपॉन dx की टर्म है वो राइट हैंड साइड में दिखाते हैं, जैसे y क्यूब प्लस 7x पावर 6। और यहां से हमने dy अपॉन dx की टर्म जो नहीं है वो माइनस 10x प्लस y रेज टू पावर 9। तो नाउ वी dy अपॉन dx की टर्म एक तो ये और एक ये dy अपॉन dx होल इनटू में है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू y रेज टू पावर 3 y क्यूब इंटू 7 टाइम्स ऑफ x पावर 6 माइनस 10 इंटू x प्लस y रेज टू पावर 9 और होल डिवाइडेड बाय 10 इंटू x प्लस y रेज टू पावर 9 माइनस x पावर 7 इंटू 3 y स्क्वायर। ये हमारा dy अपॉन dx है। क्या हम पीछे से कोई टर्म या कोई वैल्यू ऐसी डाल दें ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए? तो ऊपर से देखें कि भाई यहाँ से या तो इसको एक्सपेंड करके खोल लिया जाएगी, इसकी 10 टर्म आएंगी, इसकी भी 10 टर्म आएंगी, या ऊपर से कोई वैल्यू डाल करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ देखो x की पावर 7 और y की 3 है, यहाँ हमारे पास x की 6। यदि हम x y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब है कि मैं x की 7 और इसको y बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या करा है कि इसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, से भी x से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर एक y की जरूरत भी पड़ेगी। ये देखो, ये तो नीचे देखते हैं, नीचे हमें y क्यूब चाहिए, तो y की मल्टीप्लाई और यहाँ भी y की मल्टीप्लाई। आसान बनाते हैं क्वेश्चन को ताकि ये डबल डेरिवेटिव आसान हो जाए। तो ये जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई लेकर के x की पावर 7 लिखते हैं, 7x की पावर 7 y क्यूब माइनस 10x इंटू एक्स प्लस वाई होल पावर 9 और होल इंटू में है y अपॉन में y, y की मल्टीप्लाई कर दें तो y की मल्टीप्लाई का मतलब 10 गुणा में y इंटू एक्स प्लस वाई होल पावर 9 माइनस x पावर 7 3 टाइम्स ओवर y क्यूब और यहाँ से इंटू में। तो अब रिप्लेस कर ली जाए ये वैल्यू, यानी हमारा क्या चल रहा है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू जो न्यूमरेटर है उसमें ये जो 7x पावर 7 इंटू वाई क्यूब है, वो जो इक्वेशन एक है वहाँ से हमने वैल्यू डाल दी, यानी 7 इंटू एक्स प्लस वाई होल पावर 10 माइनस 10x इंटू एक्स प्लस वाई होल पावर 9 होल इंटू वाई डिवाइडेड बाई। इसी प्रकार से डेनोमिनेटर में 10y इंटू एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर 9 माइनस 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉम 1 वी गेट एक्स प्लस वाई होल पावर 10 और इंटू में, हाँ ये तो इस तरह से रिप्लेस हुआ है, और होल हमारा हो गया ये x। अब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में यदि हम ध्यान से देखें, ये 7 टाइम्स ऑफ रेज टू पावर, या तो इसको कॉमन ले लें, मतलब x प्लस वाई यहाँ है पावर 9, यहाँ भी x प्लस वाई, इसको कॉमन ले लिया और तो कुछ कॉमन बच नहीं रहा, तो x प्लस वाई रेज टू पावर 9 को कॉमन लिया, यहाँ से मिला हमें 7x प्लस 7y और माइनस 10x और न्यूमरेटर इंटू में y भी है, और डेनोमिनेटर में देखें तो वहाँ से भी x प्लस वाई रेज टू पावर 9 कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ मिला हमें 10y और माइनस 3x माइनस 3y और इंटू में x। तो यहाँ से देखिए 7x और ये माइनस 3x, यहाँ 7x, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, और ये कॉमन लिया था ये भी कैंसिल हो गया, तो y अपॉन x। तो कई बार इस प्रकार का जो फॉरम है, जो क्वेश्चन की फॉरम है वो एग्जाम में आ चुकी है। एक बार तो ये CBSE ने पूछा था कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा, तो
सीबीएसई तो बड़ा आसानी से प्रश्न में उत्तर दे ही दे देती है कि भाई सिद्ध करो कि फर्स्ट डेरिवेटिव इसकी वाई अपॉन एक्स आएगी, और डबल डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चंस का कि भी डबल डेरिवेटिव जीरो आना है। सभी बताया था अभी अभी काफी डिस्कशन कर ली हमने कि भी टू डिग्री हो थ्री डिग्री हो लेकिन होमोजेनियस है उसकी पक्की बात है कि डबल डेरिवेटिव जीरो आएगी। और यहाँ तो देखो एक क्वेश्चन की बनावट ही उसकी ऐसी, बनावट का मतलब है होमोजेनियस की बात है भाई, और वाई अपॉन एक्स ने हमें क्या बताया है प्लस वन में हमने काफी डिस्कशन कर लिया कि जो भी लाइन हमारी ओरिजिन से गुजरती है, जैसे मान लिया वाई बराबर है एम एक्स है ये, तो यहाँ मान लिया कोई पॉइंट ले लूँ मैं, मान लिया कोई पॉइंट ले लिया अल्फा बीटा, तो उस अल्फा बीटा को यदि मैं यहाँ डाल दूँ तो बीटा इज इक्वल टू एम अल्फा, तो एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो हम कह देंगे कि भी जो भी लाइन हमारी ओरिजिन से गुजरती है उसके ऊपर यदि कोई बिंदु लिया तो उसका स्लोप हमारा वाई अपॉन एक्स ही होता है। ये देखो वाई की कोई भी वैल्यू, यहाँ एक्स की कोई भी वैल्यू, ये नोटेबल बात, तो वही बात यहाँ भी है वाई अपॉन एक्स, वाई कोई भी उस लाइन के ऊपर है एक्स है, तो इस होमोजीनियस जो पी प्लस क्यू या 10 डिग्री की जो हमारी स्टेट एक्सप्रेशन है ये जिसमें 10 लाइन बोल सकते हैं ओरिजिन से गुजरने वाली, उसका डेरिवेटिव आना भी है वाई अपॉन एक्स। और डबल डेरिवेटिव देखते हैं एक बार, तो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स एज इज, न्यूमरेटर है उसका डेनोमिनेटर है उसका स्केयर, एक्स एज इज इन टू डी वाई अपॉन डी एक्स वाई का डेरिवेटिव, वाई एज इज इन टू वन, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी है एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्केयर, एक्स से एक्स कट गया और ऊपर देखें वाई से वाई कैंसिल हो लिया यानी कि टोटली जीरो, तो डबल डेरिवेटिव विल बी जीरो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी जो डिस्कस हमने किया है। तो कल हम इस पर आधारित जो है डबल डेरिवेटिव पर आधारित क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो कल हमारा वीडियो